Good afternoon, children. I am Pinky Ma'am from Happy Cambridge School, your GK teacher. आज हम GK की के सब्जेक्ट में एक पोएम रीड करेंगे. कौन सी पोएम रीड करेंगे आज हम? प्यासा कौआ. कौन सी पोएम रीड कर रहे हैं आज हम? प्यासा कौआ. देखो बेटा, यहाँ पर एक कौआ दिख रहा है आपको, क्रो देख रहे हैं ना आप, एक क्रो दिख रहा है आपको यहाँ पर, और ये घड़ा, पानी पीने का घड़ा है ना. तो आज हम प्यासा कौआ की पोएम रीड करेंगे. ओके, देखेंगे. कड़कती धूप में एक कौए को बहुत प्यास लगी. कड़कती धूप मतलब बहुत तेज़ धूप. बहुत तेज़ धूप में एक कौए को प्यास लगी. वह पानी की तलाश में उड़ रहा था. वह पानी की तलाश में उड़ रहा था. कहाँ उड़ रहा था? आसमान में. परंतु कहीं भी उसे पानी नहीं मिला. उसे कहीं भी पानी नहीं मिला. बहुत ढूंढने पर उसे एक घड़ा दिखाई दिया. कौए ने बहुत ढूंढा. कौए ने बहुत ढूंढा. बहुत ढूंढने पर उसे एक घड़ा दिखाई दिया. ये वाला घड़ा जिसमें थोड़ा सा पानी था. कितना पानी था? थोड़ा सा. घड़ा भरा हुआ नहीं था, थोड़ा सा पानी था. अब कौआ उस पानी को पी नहीं पा रहा था. परंतु उसकी चोंच पानी तक नहीं जा सकती, नहीं जा सकी, क्योंकि घड़े में पानी थोड़ा था और कौआ छोटा था. अब उसके हाथ तो है नहीं ना जो ग्लास डाल के या मग डाल के वो पानी बाहर निकालेगा. कौआ तो चोंच से पानी पिएगा ना, तो उसकी चोंच घड़े के अंदर नहीं जा पा रही थी. तभी उसे एक उपाय सूझा. क्या सूझा? उपाय, आइडिया. तभी कौए को एक उपाय सूझा. उसने अपने आसपास पड़े हुए कंकड़ों को एक का एक एक करके घड़े में डाला. उसके घड़े के आसपास जो पत्थर, जो कंकड़ पड़े हुए थे, उसने एक एक करके घड़े में डाला, जिससे पानी ऊपर आ गया. जब वो पत्थर घड़े में डालता रहा तो पानी ऊपर आ गया और कौए ने जी भर के पानी पिया. जी भर के मतलब जितना उसको प्यास लगी थी उसने आराम से तसल्ली से पानी पिया. देख रहे हो ना बेटा, यहाँ पे पानी नहीं दिख रहा ना आपको घड़े में, यहाँ पे पानी दिख रहा है, दिख रहा है ना. तो जब उसने कंकर डाले ना इसके अंदर, देखो कंकर भी डाल रहा है कौआ. जब उसने घड़े के अंदर बहुत सारे कंकर डाले तो पानी ऊपर आ गया और कौए ने पानी पी लिया. कौए की प्यास बुझ गई. इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? कोशिश करने से सफलता अवश्य मिलती है. जिसे मैं आपको पढ़ाती हूँ ना, आप कहते हो मैम मुझे नहीं आता, तो ऐसे नहीं कहना चाहिए मुझे नहीं आता. आपको कोशिश करनी चाहिए. कोशिश करने से आपको आ जाता है ना फिर करना. सभी बच्चे ये पोएम ध्यान से सुनेंगे. ओके चिल्ड्रंस, बाय.